तुम ठीक तो हो ना बेटी? जी जी मैं ठीक हूँ। चलो मेरी बेटी उठो, हिम्मत करो। चलो ध्यान से बेटी, मुझे तो गाड़ी दिखाई नहीं दी। अल्लाह तुम्हें महफूज रखे। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। खैरियत से जाओ। डेनिस तुमसे कहा इस कागज पर दस्तखत कर दो, उस शख्स को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। नहीं करूंगा मैं दस्तखत, ये ले। वाकई मौजा हो गया है इब्राहिम भाई, आप आज ही रिहा हो जाएंगे। अल्लाह खैर करेगा बेटा। आ रहे हैं वो। मुबारक हो आप सबको, इब्राहिम भाई रिहा हो गए हैं। ये कैसे हुआ? डेनिस साहब ने अपनी मौत से पहले केस वापस ले लिया था। क्या हुआ, पेशी के बारे में कुछ मालूम हुआ क्या? हाँ, ये लो फोन आ गया वकील का। क्या हुआ? जनाब, एक नया सबूत पेश किया गया है कोर्ट में। कैसा सबूत? डेनिस ने मरने से चंद रोज पहले अपना केस वापस ले लिया था। डेनिस ने चंद रोज पहले अपना तहरीरी बयान दे दिया था। फिर इब्राहिम को रिहा कर दिया। क्या हुआ भाई, कहीं कोई गड़बड़ हुई है राना? उसे रिहाई मिल गई है। ठीक है बच्चों, आज शाम को मुलाकात होगी। अल्लाह ने करम कर दिया, आज बहुत खुश हूं मैं। सच की जीत ही होती है हमेशा। अल्लाह ने हम सबकी दुआ सुन ली। उस लड़के ने अच्छा काम किया, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। अब हम भी चलते हैं, इब्राहिम भाई शाम को आएंगे, चलकर खाना वाना बना देते हैं। लड़कियों तुम लोग जाओ, मुझे किसी का शुक्रिया अदा करना है। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं, मैं अकेले जाना चाहती हूँ। ठीक है।
के लिए तुम्हारा शुक्रिया डेनिस। जानती हूँ तुम्हें गलत समझती रही हूँ। काश ये सब कुछ उस वक्त कह देती जब तुम जिंदा थे, लेकिन अब तुम नहीं हो और ना वापस आओगे। मुझे तुमसे माफी मांगने का मौका भी नहीं मिला। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतनी दूर चले जाओगे तो कभी तुमसे दूर ना होती। मेरे दिल में अभी जो पछतावा है वो शायद कभी ना होता। जिंदगी पछताने के लिए बहुत छोटी है। आप समझ गई? मैं शायद देर से समझी। तुम कुछ नहीं कह सकते पर मैं कहूंगी। अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो मुझे माफ कर देना। जब तक मैं जिंदा हूं हमेशा सिर्फ तुम्हारे लिए ही दुआ करती रहूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा। फिक्र ना करो, तुम्हें भी उसी के पास भेज देती हूँ। एलिफ, तुम ठीक हो? एलिफ, देखो मैं हूँ। तुम ठीक तो हो ना? बताओ डेनिस। एलिफ उठो, कोई मेरी मदद करे। कोई है क्या यहाँ पर? एलिफ तुम ठीक हो ना? एलिफ मेरी तरफ देखो। एलिफ जी, हम लेकर आए हैं। एक और शख्स भी था इसके साथ। उसने हमें इसे हॉस्पिटल ले जाने का कहा। वो खुद भी साथ आ रहा था मगर अभी तक पहुंचा नहीं। अच्छा ठीक है, आप लोग कहीं ना जाइएगा, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। ब्लड प्रेशर लो है। क्या पोजीशन है? ब्लड प्रेशर लो है और खून भी बह रहा है। ठीक है, जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करें और खून का इंतजाम भी करें। क्या नाम है इसका? मालूम नहीं, आईडी कार्ड नहीं है इसके पास। गोली की आवाज सुनकर वहां गए? जी, उस लड़की के साथ एक लड़का और भी था जो मदद के लिए चिल्ला रहा था, सो हम भी उसकी मदद के लिए चले गए। उसके पास गन वगैरह तो नहीं थी? मालूम नहीं, हम तो लड़की की हालत देखकर घबरा गए थे। उसके पास आईडी कार्ड भी नहीं है, क्या उसके पास पर्स था? देखा नहीं, शायद कब्रिस्तान में कहीं गिर गया हो। हो सकता है वो साथ ले गया हो। क्या हो लिया था उस लड़के का, तुम बता सकते हो? अच्छा, अभी थोड़ी देर में स्केच बनाने वाला बंदा आ जाएगा, उसे उसका हुलिया बता देना और ये फॉर्म भी फिल कर दें। ये फॉर्म कुछ देर बाद मैं आपसे ले लूंगा। बच्चों, ये हॉस्टल वाकई बहुत अच्छा और खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया है। बैठे ना इब्राहिम भाई, यहाँ बैठे। ओह, ये खाना किसने बनाया है? तुमने बनाया है? ओह माशाल्लाह।
इब्राहिम भाई, मिलवाना चाहती हूँ किसी को आपसे। ये जीजान खाला हैं, एलिफ की अम्मी। खुशामदीद। शुक्रिया, खुशी हुई आपसे मिलकर। आखिरकार बच्चियों से दोस्ती हो गई आपकी। जी हाँ। वाकई कहाँ है वो? कोर्ट से निकलकर डेनिस की कब्र पर गई थी। थोड़ी देर में आ जाएगी, आप बैठे ना इब्राहिम भाई, मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। हाँ ठीक है। जेजान आंटी, आप भी आ जाए यहाँ। मैं देखती हूँ। जी बोले। हेलो, मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ, एलिफ यहाँ पर है। एलिफ क्यों? उसका क्या काम है हॉस्पिटल में? क्या हॉस्पिटल में? क्या बोल रहे हो? क्या कुछ हुआ है? गोली लगी है, अभी ऑपरेशन थिएटर में है। या अल्लाह खैर। कैसी हालत है उसकी? जिंदा तो है ना? जिंदा है। आप सब जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, जल्दी। क्या हुआ मेरी बेटी को? रुको रुको, घबराओ नहीं। बेटा बताओ क्या बात है? एलिफ, बेटी जल्दी बताओ ना। सुहेला, हॉस्पिटल में है वो। गोली लगी है। मैंने तुमसे कहा था ना, बिला वजह मुसीबत में फंस जाएंगे। वो लड़का अकलमंद था, देखो कैसे भाग गया। हम तो उससे हमदर्दी कर रहे थे। अब ये बात हमें कोर्ट में बतानी होगी। देखो अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, चलो चलते हैं। वैसे भी लड़की को हॉस्पिटल पहुँचा दिया। चलो आओ चलते हैं फिर। एक्सक्यूज मी, सुनिए, अब मरीज की कैसी हालत है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या ये आपके रिश्तेदार हैं? मैं उसका यूनिवर्सिटी फ्रेंड हूँ। ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया। कहाँ है मेरी बेटी? वो ठीक तो है ना? आराम से जीजान खाला, कुछ नहीं होगा। यहाँ एक जख्मी लड़की को लाया गया है। कौन, जिसे गोली लगी है? बताओ बेटी, अब वो कैसी है? ऑपरेशन थिएटर में है, वहाँ उसका एक दोस्त भी मौजूद है, आप भी जा सकते हैं। उसका दोस्त? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कब्रिस्तान किसके साथ गई थी? अकेली गई थी। क्या मतलब तुम्हारा मालूम नहीं? गन बैग में आई और घर से गायब हो गई। हाँ तुम ही लोग ढूंढोगे गन को, समझे? बताओ कहाँ हो सकती है वो गन? पता नहीं मुझे। बाबा के जो कलेक्शंस वाली गन थी उनमें से एक गायब है, चेक करवाने भेजी थी। हाँ, ऐसे कैसे गायब हो गई वो? हाँ मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ, ऐसे कैसे गायब हो गई घर से? बताओ। वो कह रहे हैं कि 3 गन्स बैग में रखकर भेजी थी, लेकिन गन घर में नहीं है। आखिर घर से कहाँ जाएगी? जरूर वहीं रह गई होगी। तुम पता तो करो जरा। तुम्हें समझाया था मैंने, दोबारा नहीं समझाऊंगा, समझी? आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमारे साथ? डेनिस तुम्हारी वजह से गया है, डेनिस चला गया है। एलिफ, क्या हुआ मेरी बेटी? आंखें खोलो एलिफ। आप इत्मीनान रखिए, ये जल्दी होश में आ जाएंगी। जालिमों ने क्या किया तुम्हारे साथ? अब कैसी तबीयत है इसकी? आप कुछ देर बाद सारी इन्फॉर्मेशन रिसेप्शन से मालूम कर सकते हैं। Thank you.
मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना। आप रिलैक्स रहिए, उनकी हालत अब ठीक है, गोली निकाल दी है, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या लगती है आपकी? सब कुछ है मेरी, सब कुछ। अलिफ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अपना करम करेगा उस पर, हम सबकी दुआएं जरूर कबूल होंगी। मुझे इससे जान छुड़ानी होगी। डेनिस, होश आ गई इसे। बेटी, अम्मी। हाँ बोलो बेटी, बोलो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। मैं कहाँ हूँ? मेरी जान, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है मगर अब तुम ठीक हो। मैं यहाँ कैसे आई? जालिमों ने तुम्हें मार डालना चाहा। अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ तुम्हें। एलिफ जान, तुमने देखा गोली किसने चलाई थी? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैंने डेनिस को देखा। कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम परेशान ना हो बेटी, किसी खास दिन के लिए चाहिए? नहीं, अस्पताल भेजने हैं, किसी खास दोस्त के लिए। समझ गया मैं, फिर तो मैं आपको ये भेजने के लिए कहूंगा। ठीक है, भेज दें, लेकिन इसमें एक दो गुलाब भी लगा दें। हेलो एलिफ, अब कैसी है? होश आ गया है उसे? ठीक है, होश में आ गई है। अच्छा, कुछ बताया कि किसने गोली चलाई थी? आकर खुद उसका बयान ले लो, ये सब मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, अच्छा, खुदा हाफिज। अभी तक तैयार नहीं हुआ क्या? बस हो गया, दो मिनट। क्या मुझे कार्ड और पेन दे सकते हैं? नोट लिखना है। अच्छा देता हूँ, ये ले, ये भी ले ले। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी बोले। मुझे ये चाहिए। जी भाई, अभी देता हूँ। मुझे लिखने के लिए पेन मिलेगा? ये ले, ये ले अपने पैसे भाई, लिखने के लिए पेन मांगा था। भाई अगर आपने लिख लिया है तो पेन मिल सकता है? भाई ये तैयार हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। आपका भी शुक्रिया। बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये नहीं चाहिए आप मुझे, उस जैसा दो। उसने कौन सा लिया है? आम सा है। मुझे भी वही दे दो, लेकिन उससे बड़ा होना चाहिए। पुलिस ने बताएं भाई? वो जो एलिफ को हॉस्पिटल में लेकर आया था, पुलिस को बयान देने के बाद वो यहां से गायब हो गया है। वो क्यों?
शायद वो इन मामलात में नहीं पढ़ना चाहता। एक बात और जो बहुत हैरान कुन है वो ये कि जिस शख्स ने इन दोनों को मदद के लिए बुलाया उसे भी इस हादसे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। या अल्लाह, वो असल में एक दिन पहले एक वाकया हुआ था मगर हमने उसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया। क्या हुआ था? यूनिवर्सिटी में मुझे एलिफ ने बताया था, जब वो आ रही थी तो उसे गाड़ी नीचे देने वाली थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे भी ये मालूम नहीं था। आप परेशान होंगे इसलिए एलिफ ने नहीं बताने दिया। बेटा ये कोई छुपाने वाली बात है? लेकिन मालूम नहीं था कि वाकई मारने की कोशिश की जा रही है। वाकई एलिफ के पीछे जरूर कोई पड़ा हुआ है। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एलिफ को देखने आया हूँ, दोस्त हूँ उसका। शायद वो अभी सो रही है, मैं देखती हूँ एलिफ को। एलिफ तुम उठ गई? ज़िया मिलने आया है। मेरे बाल तो नहीं नजर आ रहे? नहीं, ठीक है सब। एलिफ, केट विल्सन। शुक्रिया, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसमें जहमत की क्या बात है, मरीज को देखने खाली हाथ कैसे आ सकते हैं? अगर कोई और चीज चाहिए तो मैं अभी ले आता हूँ। नहीं नहीं शुक्रिया। एलिफ देखो ये तुम्हारे लिए किसी ने भेजा है, कितना अच्छा है ना ये बुके, शायद बहुत चाहता है कोई तुम्हें। शुक्रिया इसका। किसने भेजे हैं? मैं देखती हूँ। तुम्हारे सामने बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, गेट वेल सून, नाम नहीं लिखा हुआ। अल्लाह अल्लाह। हो सकता है यूनिवर्सिटी से किसी ने भेजा हो। अच्छा किया एलिफ, तुमने क्या तुमने गोली चलाने वाले को खुद देखा है? मैंने नहीं देखा, पुलिस उसे ढूंढ रही है। जो मुझे हॉस्पिटल लाए वो भी चले गए, पता नहीं किसने गोली चलाई थी। इसका मतलब तुमने कुछ नहीं देखा? एलिफ ने डेनिस को देखा था। मेरा मतलब है कि जब आंखें बंद हो रही थी इसकी तो इसको ऐसा लग रहा था, लेकिन कुछ और याद ही नहीं है इसे। अच्छा मैं चलती हूँ, दोबारा फिर आऊंगी, कुछ चाहिए तो फोन कर देना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अभी यहाँ से हॉस्पिटल के लिए कुछ फूल भेजे गए एलिफ के नाम पर, कौन था? जी हाँ, हमसे ही लिए थे। किसने ऑर्डर दिया था, कुछ याद है? वो खुद लेने आया था, जब आप आए थे उस वक्त वो यहीं था, जिसने आपको पेन दिया था। वो लंबे कद का था, आंखें नीली थीं। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो बुके लिया था उसने भी वही लिया और चला गया। शनाए? मुझे सोने दो। चलो चल के कुछ खा लो। मुझे नहीं खाना। शनाए देखो, कुछ खाने पीने से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, आओ चले। सुकून में हो, हमारा बेटा मर गया है लेकिन तुम अभी भी काम पर आ जा रहे हो और अब भी मुझे खाना खाने का कह रहे हो तुम, और इस पर ये कि अभी भी दोस्तों से मिलने का कह रहे हो तुम। मैं मर गई हूं,
जैनिस गया, मैं भी खत्म हो गई। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? शनाए, शायद तुम मेरी बात को समझ नहीं रही, मैं भी खत्म हो गया हूँ। क्या वाकई? लेकिन नजर तो नहीं आता। ठीक है, अच्छा क्या मैं भी तुम्हारी तरह रोना शुरू कर दूं? उसकी कब्र पर जाकर रोता रहूं मैं? डेनिस के साथ हम भी मर जाते हैं। ऐसा करने से डेनिस वापस आ जाएगा। अच्छा तो अगर मैं ये सब ना करूं बेगम, हमारे बेटे को मार डालने वाले से आखिर कौन हिसाब लेगा, मुझे ये बताओ तुम। वो जिसने किया वो एक ही है, वो लड़की। जाओ मार डालो उसे। क्या ये कर सकते हो? तुम नहीं कर सकते ऐसा, ये इतना आसान नहीं है। शनाए, तुम पागल हो गई हो क्या? जाओ, चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम। मुझे शनाई आंटी की बहुत फिक्र हो रही थी तो उनकी खबर लेने के लिए आ गई। सब ठीक तो है? कपड़े कैसे गंदे हुए तुम्हारे? वो मैं जब मैं अंदर आ रही थी तो बहुत अंधेरा था, मैं गिर गई और कपड़े सारे गंदे हो गए। कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? हाँ, अच्छा तो ठीक है फिर, अब मैं चलती हूँ,
जब वो उठेंगी तो उन्हें बता दीजिएगा कि मैं आई थी। कह दूंगा। शबा खैर। लड़कियां कहाँ हैं? उनके पेपर थे इब्राहिम भाई, उन्हें छोड़ने गए हैं। मेरा भी तो एग्जाम था, मैं क्या करूंगी? तुम पेपर नहीं दे सकती। लेकिन मुझे हर हाल में जाना होगा। वो तुम लोगों के पेपर नहीं ले रहे, भूल जाओ यूनिवर्सिटी को। अम्मी आप क्या कह रही हैं? और क्या करूं? औलाद को खो दूं मैं? यूनिवर्सिटी पढ़ने आई थी ना, देखो क्या कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ। मैं गलत समझ रही थी, लेकिन तुम्हारे बाबा ठीक थे। चलो अब हम लोग वापस चलते हैं गांव को। कमांडर से डर रही है ना आप? लेकिन मैं नहीं डरती हूँ अब। उस औरत ने कहा था ना सबके सामने कि वो तुम्हें मार डालेगी। लेकिन जिंदा हूँ मैं। मार डालने की कोशिश की है तो क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। जो जिंदगी अल्लाह ने दी है वापस भी वही ले सकता है बस। मैं किसी से भी नहीं डरती। अगर मुझे मारने वाला भी मेरे सामने आ जाए तब भी मैं उसे यही कहूंगी। तुम उन लोगों से दूर रहोगी। उन लोगों से दूर रहना ही बेहतर होगा। यहाँ से दूर जाना होगा हमें। सुन लिया तुमने अलिफ? हम कहीं भी नहीं जाएंगे अम्मी, क्योंकि आपकी बेटी एक दिन डॉक्टर जरूर बनेगी। हैरान तो मुझे होना चाहिए, क्या तुम मरे नहीं? मैं अलिफ के लिए यहाँ पर आया हूँ। गोली किसने चलाई पता चला कुछ? सुबह से शाम तक तुम उसके पीछे भागते हो, तुम क्यों नहीं जानते हो? क्या बाबा जानते हैं? क्या कहा तुम्हें, तुम मेरे गार्ड हो? अगर ऐसा करोगे तो गार्ड बनना पड़ेगा। चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। पहले तुम मुझे थप्पड़ मारो, फिर मैं मारूंगा। फिर सब लोग यहाँ पर जमा हो जाएंगे और वो जान जाएंगे कि जो उनकी नजर में मर गया वो तो अभी तक जिंदा है। जाओ यहां से। चले जाओ यहां से। पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत मुसीबत आ गई है। अपने बाबा के लिए मुसीबत पैदा मत करो। यहां जा रहा हूं, लेकिन तुम भी जाओगे। इससे तुम्हें क्या? पहले से तुम कोई बात नहीं करोगे। सुना नहीं, तुम अलिफ से कोई बात नहीं करोगे? वो दुखी हैं, ऐसे वक्त में उसे तसल्ली की जरूरत है। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें अलिफ के पास देखा तो अपने हाथ से मसल दूंगा तुम्हें, समझ गए मेरी बात? अम्मी, अम्मी मैं जा रही हूँ, आप परेशान मत होना। कहाँ? बताया तो था एग्जाम देने। तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना? जानती थी कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी। मैं भी चलती हूँ फिर, एक मिनट भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब तुम जहाँ जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। चलो। अलिफ, तुम यहाँ क्यों? यूनिवर्सिटी जा रही है। ये नहीं हो सकता, तुम्हें आराम की जरूरत है। इसे कहने का कोई फायदा नहीं होगा बेटा, मैंने मना किया था इसको। बस अम्मी चले।
कहाँ जा रहे हैं ये? सालिहा, मुझे मालूम हुआ है कि आप आई थी। हैरानी क्यों हुई? आज एग्जाम है। ठीक है, इस हालत में एग्जाम कैसे लेंगी? आप तो बीमार थी ना? अल्लाह का शुक्र है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। पर आपको आराम करना चाहिए, आपकी जगह कोई और ले लेगा एग्जाम। आपको आराम करना चाहिए, मैं ले लेता हूँ एग्जाम। आपका शुक्रिया, ये मेरा काम है और मुझे ही करना होगा। मैं चाहती हूँ कि किसी भी स्टूडेंट के साथ ना इंसाफी ना हो। बहुत पढ़ाई की है उन्होंने, बहुत मेहनत की है, मैं नहीं चाहती कि किसी की भी हक तल्फी हो। ठीक, तो फिर आप अपना काम कर ले। ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ये रूम आज तैयार हो जाएगा और दूसरा कल तक कर देंगे। जल्दी करें, वक्त नहीं है। राना मैडम, बात कर सकता हूँ? जरूर। जी कहें, क्या कोई प्रॉब्लम है? सालेहा, एग्जाम वो लेंगे। वो तो छुट्टी पर थी ना? नहीं, आ गई हैं वो, कहती हैं एग्जाम खुद लूंगी। सब समझ गई, लड़कियों को एग्जाम देने देंगी वो? हाँ जी बिल्कुल। तो फिर मैं अपनी पोजीशन बता देती हूँ उन्हें, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो, और वैसे भी उन्हें इस सारी सूरत हाल का पता होना चाहिए। जरा गाड़ी रोको यहाँ। ठीक है, अब चलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे किसी के बारे में पूछना था। उसका नाम है एलिफ गुरेल। अच्छा, शायद वो आपके हॉस्पिटल में होंगी। समझ गई, मसला क्या है? वहाँ भी नहीं है। ठीक है, आपका शुक्रिया। कहाँ है लड़की? कहीं वो कब्रिस्तान में ही तो नहीं पड़ी? एलिफ, तुम यहाँ क्यों आ गई हो? कैसी तबीयत है अब तुम्हारी, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। बस थोड़ा बहुत दर्द है बाजू में, मैं एग्जाम मिस नहीं करना चाहती। मैंने कहा कि अगर तुम हर हाल में जाओगी तो मैं भी साथ जाऊंगी। अब जहाँ एलिफ वहाँ मैं। अगर अब मेरी बेटी को किसी ने मारने की कोशिश की तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। देख रही थी मुझे, आंखें निकाल दूंगी मैं इसकी। वो नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूं कि तुमने क्या किया है। अम्मी जान, आप जल्दी से नाश्ता कर लें, चाय और टोस्ट दोनों हैं, और कुछ लेंगी आप? कहाँ जा रही हो?
मेरा बैग कहीं गिर गया है अम्मी जान, उसमें मेरा आईडी कार्ड और एग्जाम की स्लिप मौजूद थी। मैं अभी ऑफिस में बता कर आती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन क्या हम एग्जाम्स दे पाएंगे? तुम्हारे टीचर कौन है? सालेहा मैडम। ये तो अच्छी बात है, फिर शायद कोई उम्मीद हो। बात करके आती हूँ। ख्याल से जरा। जान खाला, भूख लगी है आपको? कुछ खाएंगी? कुछ भी खा लूंगी मैं। साले साहिबा, प्लीज आए। जी कैसी हैं? आपकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं लग रही मुझे, और वो भी एग्जाम जैसा मुश्किल काम। बच्चों को किसी किस्म की परेशानी ना हो, इसलिए मैं हर मुश्किल के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये कुछ और मुश्किल भी हो सकती है। मुझे आपकी नीयत पर कोई शक नहीं है, लेकिन शायद नए आने वाले स्टूडेंट्स के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानती हैं। हर स्टूडेंट को जान गई हूँ, हत्या के डेट ऑफ बर्थ भी। तो फिर आपको ये भी मालूम होगा कि अब जो नए प्रिंसिपल्स स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं वो क्या हैं, और उन पर अमल करना कितना जरूरी है। हाँ जानती हूँ। यानी आप इतना सब कुछ जानने के बावजूद ये सब करना चाह रही हैं, बताएं मुझे। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगी, बाद में बहुत पछताएंगी आप। हो सकता है आपकी जिंदगी और करियर दोनों खत्म हो जाएं। डॉक्टर भी ऐसा ही कह रहे हैं, जिंदगी के दिन कम रह गए हैं। अल्लाह कब मौजज़ा दिखा दे कुछ मालूम नहीं। अब तो बस मैं यही चाहती हूँ मेरे बाकी के दिन जल्दी से गुजर जाएं। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे की जिंदगी कैसी होगी मेरी। अब तो फिर आप जा सकती हैं। यानी किसी ने तुम्हें ये खुद नहीं दिया कि जाकर इब्राहिम को रिहा करा लो? तुम्हारी इतनी हिम्मत के तुमने मुझे फोन किया? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे सामने मत आना। कुदरत कमांडर तुम लोगों को पसंद नहीं करता। तुम्हारी फैमिली के साथ कुदरत कमांडर का जरूर कोई ताल्लुक है। लेकिन ये जो हुआ है इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम लोग क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा और कोई दुश्मन नहीं है आपके अलावा शिनाई बेगम।